हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन टिप्स। आज हम लोग ग्रीन चलाई की सब्जी बनाने वाले हैं। इसे अमरंथा, उसी के साथ इसे राजगिरा भी बोलते हैं। ये एक बहुत हेल्दी और पौष्टिक सब्जी है। ये वेट मैनेजमेंट के लिए, उसी के साथ इसमें ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन भी होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सब्जी को इस तरह तोड़ के लिया है। चलो, उसी के साथ हम लोगों ने लिए है कुछ काट के हरी मिर्च, कुछ लाल मिर्च, थोड़ा सा काट के टमाटर, उसी के साथ काट के प्याज और थोड़ा सा लहसुन, वो भी काट के। इसके साथ हम लोग चाहे तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और ऐड करने वाले भी है। चलो, अब टाइम है कि सब्जी को हम लोग तड़का लगाए। सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख देते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है, वैसे हम लोग इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन काटने से इसका फ्लेवर ही कुछ अलग आता है। इसे हम लोग हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और उसी के साथ हम लोग इसमें जीरा भी डालेंगे। देखिए, लहसुन का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। चलो, अब इसमें हम लोग प्याज डालते हैं। प्याज हम लोगों ने लंबे लंबे कुछ इस तरह काटे हैं। इसे भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक और थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और जैसे ये हो जाता है, वैसे हम लोग इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च के टुकड़े डालेंगे। इन सब को अच्छे से फ्राई करते हैं। टेस्ट के हिसाब से हम लोग इसमें नमक डालेंगे। आप चाहे तो हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं हल्दी पाउडर नहीं डाल रही हूँ। चलो, इन सारे को पकाने के बाद अब टाइम है कि हम लोग इसमें टमाटर डाल के इसे भी अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर इसे सॉफ्ट होने तक ढक के पकाते हैं। मैंने इस सब्जी को तोड़ने के बाद नमक के पानी में इसे एक दो बार वॉश किया है। चलो, अब चेक कर लेते हैं कि टमाटर सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। सारे मसालों को हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई किया है। देखिए, टमाटर कितना सॉफ्ट हो चुका है। चलो, अब टाइम है कि हम लोगों ने वॉश की हुई सब्जी इसमें डाल देते हैं। देखिए, अभी कढ़ाई भर के सब्जी दिख रही है, लेकिन ये सब्जी पकने के बाद सिकुड़ जाती है और ये सब्जी पकने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। सब्जी डालने के बाद हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसालों में अच्छे से मिक्स करने से और हम लोगों ने सारी सब्जियां काट के डाली है, इसके वजह से इसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आएगा। चलो, अब इसे थोड़ी देर हम लोग ढक के पकाते हैं। मैक्सिमम 2 मिनट तक इसे ढक के पकाने के बाद चलो अब सब्जी को चेक कर लेते हैं। इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी दिख रहा है। इसमें से जब तक इस तरह का पानी निकल नहीं जाता और हल्का सा तेल नहीं छूटता, तब तक हम लोग इसे पकाते रहेंगे, वो भी अभी लो फ्लेम पे। देखिए, सब्जी अच्छे से पक चुकी है और तेल छोड़ना शुरू हो चुका है। इसकी खुशबू सारे घर में आ रही है। चलो, अब इसे हम लोग एक प्लेट में सर्व करते हैं। आप इसे दाल के साथ या फिर लंच बॉक्स रेसिपी के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पौष्टिक ऐसी चौलाई की सब्जी खाने के लिए रेडी है। इसी को राजगिरा की भी सब्जी बोलते हैं। इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ और दाल के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।